अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपने अपने हाथों से हमारी मांग भरी है, इसलिए हम आपको अपना पति मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे और ऐसे ही अपना पत्नी धर्म भी निभाते रहेंगे और हम इसी में खुश हैं। इतना आसान बना दिया तुमने सारी बात को बिंदिया। बात को मुश्किल बना के किसका भला हुआ है? जो हमरा होगा, आप फिक्र मत कीजिए, आपको हमरा व्रत नहीं तोड़वाना पड़ेगा। हमेशा अपने बारे में काहे सोचे, कभी कभी अपनों की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। और हम भी बस वही कर रहे हैं, आज भी केवल आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। बाकी तो भोलेनाथ सबके साथ। कितना साफ दिल है इसका, बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है फिर भी दूसरों के बारे में ही सोच रही है। बदले में कुछ चाहे तो वो प्रेम नहीं सौदा कहलाएगा। हम तो ये में ही खुश हैं कि अभय जी परेशान नहीं है, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बहू, हम जो चक्रव्यूह तुम्हारे लिए बना रहे हैं ना, उसके लिए तुम दोनों का पास आना बहुत जरूरी था, तभी तो दोनों को अलग करने में मजा आएगा। कच्चा चले भैया, अरे पूजा शुरू होने वाली है।
कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। सच, बर्फी जी की बहू कितनी सुंदर लग रही है। हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि सीएम बनने के बाद भी आप करवा चौथ मनाएंगी। कैसे नहीं मनाते, हर सुहागन का सौभाग्य होता है अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना। फिर वो चाहे पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री हो या शिक्षक हो या फिर गृह, पति पत्नी का रिश्ता हर औहदे से बड़ा होता है। फिर रिश्ता चाहे जैसा भी हो। मैं मेघा से शादी करना चाहता था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। रखना है तो रखो, लेकिन ये व्रत तुड़वाने के लिए मैं नहीं आऊंगा। चलो चलो। नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं। बस थोड़ी देर की बात है लल्ला, फिर तो सब काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि पूजा संपन्न हो जाएगी ना, और बिंदिया बहू तुम्हारे हाथ से व्रत तुड़वा लेगी। और का? अब हाँ हाँ ठीक है, बस थोड़ी देर तू भी नाटक कर ले, फिर ये जो फांस कड़ी हुई है हम लोगों की जिंदगी में, ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हमें पता है। कच्चा क्या जी जाजी, आप यहाँ खड़े हैं, वहाँ दीदी आपके लिए व्रत रखी हुई हैं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ, चलिए। अरे जाओ जाओ लल्ला, जाओ। समझ लेता दिल जो न कभी हम कह पाते, कैसी कशिश ये कैसा लगन है और किसी के हो जाते।
प्यारे का अपना अलग है फसाना, प्यारे का अपना अलग है फसाना, हो जाए दिल कब दीवाना सनम। मुझे बहुत प्यार करता हूँ बिन्या। विद्या, तुम देखो पति हो तो ऐसा अपना हाथ जला लिया लेकिन अपनी पत्नी पर एक आंच भी नहीं आने दी। बेची सुन लिया ससुर जी, देख रहे दामाद बाबू और इस इंडिया की खुशी हमसे देखी नहीं जाती। पापा बस थोड़ी देर और। क्यों किया आपने ये सब? का जरूरत थी हाथ से आग बुझाने की? मैं नहीं जानता विद्या, हमें तकलीफ में देखा तो बस खुद को रोक ही नहीं सका। तुम हमारे परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो विद्या, हमारे रिश्ते के लिए भी, और ऐसे में मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सकता। ये बात मुझे एक गुनहगार होने का एहसास करा रही है कि क्या हो रहा है, मैं समझा ही नहीं सकता। अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, ये सब कुछ मेरी समझ गई बात। ठीक है बेजी, हमें तकलीफ ना हो ये सोच के आप खुद को परेशान कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि आपको तकलीफ में देख के हमें ज्यादा परेशानी होगी। आप रुकिए, हम दवा लेके आते हैं। जान
संध्या, मैंने तुम्हें मेघा के बारे में बताया, फिर भी तुम ये सब कर रही हो। तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है? जलन नहीं हो रही है? जानते हैं भेजी, हम भोलेनाथ से क्या मांगते हैं? क्या भले ही हमसे प्यार मत करिए, पर हमरा साथ कभी मत छोड़िएगा। हम जिंदगी काट लेंगे। अबे भैया, बिंदिया, पंडित जी बुला रहे हैं पूजा के लिए। रसम निभा लेते हैं। अबे बिंदिया, अरे भाई जल्दी आओ, पूजा का समय बीता जा रहा है, जल्दी आओ। पंडित जी, अब बहू और बेटे के साथ पूजा आरंभ कीजिए, मैं जुगली की अम्मा को लेके आता हूं। अरे कोई बचाओ अभय, जुगली, अरे कोई बचाओ। बचा ले बेटा, कोई तेरी मां को मार देना चाहता है। अरे क्या अभय भैया, बता किसने भेजा? लेके जा इसको। माँ, आप ठीक है? माँ, हम तो ठीक है लल्ला। वो हमको बचाने के लिए तुम पापा अंदर आए थे, उसने उन पर भी वार किया, वो ठीक है कि ना? पापा, आप ठीक है? पापा बेटा, हमें समझ में नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। आखिर कौन था वो आदमी? अभी पता चल जाएगा पापा, अभी पता करता हूं। कौन है तू? किसने भेजा तुझे यहाँ? किसी ने नहीं, हम तो यहाँ चोरी करने के लिए आए थे। तुम बोलते हैं? हाँ? सच बता, तू क्यों आया यहाँ पे? किसने भेजा तुझे? बोल मुझे। तूने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की, बता मुझे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा, बता मुझे। बताते बताते भैया, सब बताते बताते बताते। मैं जान नहीं ले रहा था, मैं तो बस जान लेने का ड्रामा कर रहा था। और ये काम करने के लिए मुझे आपकी माँ ने बोला था। तमाशा शुरू करने के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही हो बर्फी देवी? और तुम क्या रे सेब खा रहे है? जो काम सौंपा है ना, उसको ठीक से नहीं किया ना, हम छोड़ेंगे नहीं। अबे काउल जुलूल बकरे हो बे। अरे ये सब क्या बोल रहे हैं? अरे हट, बिहारों की जय हो। अरे लल्ला, तुम ही बोलो, हम अपनी जान लेने का नाटक क्यों कराएंगे? अरे भगवान, अरे क्या सुन रहे हैं हम? सब का बकवास कर रहे हो? सासू माँ भला अपना जान लेने का नाटक करने काहे बुलवाएंगी? मैं सच कह रहा हूँ,
राम कसम, इससे पहले भी इन्होंने हमें आपकी भी जान लेने के लिए बोला था। तब हमने आपकी जान लेने की कोशिश भी की थी। आपको क्या लगता है इतनी बार जो आप पर हमले हुए हैं वो सब किसने कराए? झूठ बोले जा रहे हो? विजय इसकी बात मत मानिए। हमें तो लग रहा है ये बिना बात हमने परिवार में परेशानियां खड़ी करने आ गया है। आपको हमारी बात झूठ लग रही है तो आप खुद ही पता कर लीजिए ना। हमारे फोन में वो नंबर है जिससे हमें फोन आता है बताने के लिए कि क्या करना है। अब ढूंढिए वो फोन, इसी घर में आपको मिलेगा कहीं। अगर ये पता चल गया कि हमें मारने की कोशिश सासू माँ और बापू जी ने की थी तो अभय जी को बहुत ही बुरा लगेगा।